हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। बेसिक नंबर सिस्टम में हमारे जो बेसिक टर्म थी लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, उसको भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। अब फर्दर हम जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा इरैशनल नंबर का। उससे पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको बता दूँ। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इन दोनों को कंबाइन करके एक जो कंप्लीट सेट कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? रियल नंबर। दैट इज, रियल नंबर के अंदर हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एनी नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो हमारे क्या होंगे? रैशनल नंबर। सेकेंड इज, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। दैट इज, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेके देखें, देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास 0.25, ये हमारा डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो वहीं पर टर्मिनेट हो गई है 5 के बाद, ये आगे रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन हुआ हमारा टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मीन्स यहाँ पर 0 के बाद जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमारे पास जितनी भी डिजिट अवेलेबल है वे रिपीट करें। इस बार का मीनिंग होता है दैट दीज डिजिट आर रिपीटिंग देमसेल्फ, ये डिजिट अपने आप को रिपीट किए जा रही हैं। रिकरिंग दैट मीन्स रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग दैट मीन्स ये कहीं पर खत्म ही नहीं हो रही है। अब जो मेन टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते और वहाँ पर हमारा क्यू क्या है? जीरो नहीं होगा। सेकेंड इज, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि √2, √3 और 0.10100, आप इसके पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार डिफरेंट पैटर्न निकल के आ रहा है और ना ही ये कहीं पर जाके टर्मिनेट हो रहे हैं। दैट्स वाई ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि ये अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। सेकेंड थिंग, और प्रॉपर्टी क्या होगी रैशनल नंबर की, कि कोई भी नंबर अगर स्क्वेयर रूट के अंदर आता है, एनी नंबर विच इज़ अंडर द रूट वेयर एन इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, कोई भी नंबर स्क्वेयर रूट के अंदर है और वो अपने आप में कोई परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, वो नंबर भी हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? इरेशनल नंबर के अंदर। देखिए √2, √3, यहाँ पर हमारे पास, मैंने कल भी बताया था अब भी बता रही हूँ, √4, √9, ये नंबर भी रूट के अंदर अवेलेबल है, लेकिन 4 है वो हमारे पास 2 का परफेक्ट स्क्वेयर है, 9 है वो हमारे पास 3 का परफेक्ट स्क्वेयर है, और आगे भी जो 16 या 25 होंगे अंडर द रूट वो भी हमारे पास क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वेयर। दैट्स वाई दिस नंबर आर नॉट कंसिडर एज इरेशनल नंबर। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी आता है हमारे पास पाई का। ठीक है, पाई भी हमारा कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, अगर हम पाई को 22/7 यानी कि 22/7 जो कि पाई की वैल्यू कंसीडर की जाती है, इसको इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। बट अगर हम पाई की वैल्यू लें 1.732/100, ये हमारी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अगर इस फॉर्म में हम इस पाई की वैल्यू को एक्सपेंड करके लिखते हैं तो वो हमारे किस कैटेगरी के अंदर आएगा? इरेशनल नंबर। 22/7 इसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, नॉट ए एक्चुअल वैल्यू। दैट्स वाई वी कंसिडर 22/7 एज ए रैशनल नंबर। बट जब हम इसको डिवाइड करके लिखते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आता है, तो हम उसको इरेशनल नंबर के अंदर कंसिडर करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के बारे में आप सबको पता होगा, नंबर लाइन में आपको बताती हूँ। उसके बाद √2, √3 जो भी हमारे इरेशनल नंबर है उनको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं एक नंबर लाइन के ऊपर, वो अब हम आगे सीखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा क्या होती है। एनी लाइन, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड एज जीरो। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस लाइन वी हैव पॉजिटिव नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 and 5, एंड ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जीरो वी हैव नेगेटिव नंबर्स, दैट इज -1, -2, -3, -4। देखिए जब भी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, देखिए
अगर हम वन को रिप्रेजेंट करना चाहें, वन लोकेट कर दिया जी हमने। अगर हम टू को रिप्रेजेंट करना चाहें, ये हमारा नंबर लाइन पर सीधा सीधा टू दिखाई दे रहा है, इसको हमने लोकेट कर दिया, ठीक है। अगर वन बाय टू कोई भी रैशनल नंबर है p बाय q के फॉर्म में, उसको लोकेट करना चाहें, तो हमें पता है यहाँ पर जीरो से लेकर वन तक कंप्लीट वन यूनिट डिस्टेंस है, हमें इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जीरो वन, वन पार्ट और ये टू पार्ट्स। अब क्या लोकेट करना है हमें, वन बाय टू, वन बाय टू टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमें किसको लोकेट करना है, वन बाय टू को, ये हमारा वन बाय टू, जीरो और वन के मिडल में कहीं पर हमारा क्या होगा, वन बाय टू, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सिंपल सिंपल इंटीजर और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन पर, तो वो हमने करके दिखा दिया। बट वट अबाउट इफ वी आर गोइंग टू लोकेट इरेशनल नंबर लाइक रूट टू, रूट थ्री, वट इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। उसके लिए सिंपल एक थ्योरम है जो कि आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी होगी, नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का लॉजिक जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से क्लियर है तो आप इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर, यानी कि हाइपोटेनस का स्केयर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर किसके, प्लस बेस के स्केयर के। अब अगर हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास कैसे आएगी, पी स्केयर प्लस बी स्केयर अंडर द रूट। जब भी हम इस स्केयर को इक्वेशन के उस तरफ लेके जाते हैं, ये हमेशा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ गई, पी स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमें नंबर लाइन पर, फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन, रूट टू हमारे पास कैसे आएगा, इफ़ वी कंसिडर परपेंडिकुलर एज वन एंड बेस इज ऑल्सो वन। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होगी, p का स्केयर प्लस b स्केयर। p की वैल्यू हमने 1 कंसिडर की थी और b की वैल्यू भी हमने क्या कंसिडर की थी, 1, वो हमारे पास 1 प्लस 1 किसके इक्वल आ रहा है, रूट टू, और यही तो हमें रिप्रेजेंट करना था, रूट टू। अब एक नंबर लाइन हमने ली, ये हमारे पास नंबर लाइन है, मिड पॉइंट 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम कंसिडर करें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, इनकी वैल्यू क्या थी, 1। मान लो ये हमारा बेस है, 0 से लेकर 1 यूनिट इसका डिस्टेंस है, तो ये अपने आप ही में 1 हो गया। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डालना 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और उसकी लेंथ भी हमें कितनी कंसिडर करनी है, उसकी लेंथ भी हमें 1 ही लेनी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ रही है, रूट टू, ये हमारा क्या होगा, रूट टू, दैट इज हाइपोटेनियस रूट टू होगा। लेकिन ये रूट टू नंबर लाइन पे अभी नहीं है, ये तो ऊपर यहाँ पर ओ, मान लो इसको नाम दिया ए और इस पॉइंट को नाम दिया हमने बी, ये ओ ए है, ये अभी नंबर लाइन पर एक्चुअल में रिप्रेजेंटेड नहीं है, ये अभी ऊपर ही कहीं है। बट वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस वैल्यू ऑफ रूट टू ऑन द नंबर लाइन। वट वी विल डू, विद द हेल्प ऑफ ए कंपस, वी विल टेक कंपस एंड हम यहाँ से लेकर ओ पॉइंट पर रखकर ए पॉइंट तक जो भी इसकी लेंथ है उतना उस कंपस को ओपन करेंगे, और कंपस की हेल्प से हम यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा नंबर लाइन पर रूट टू रिप्रेजेंट हो गया। क्यों क्यों हमने इतना ही ओपन किया और क्यों हमारा ये वाली लेंथ रूट टू आएगी, देखिए जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ए, और ये जो लेंथ होती है ये इसकी रेडियस कहलाती है। ये रेडियस हमारे पास मान लो ओ ए है, ये रेडियस यहाँ पर अगर रूट टू है तो इस पॉइंट पर भी रूट टू ही डिफाइन होगी, यहाँ पर भी रूट टू ही होगी, यानी कि रेडियस जो होती है एक सर्कल के अंदर वो हमेशा इक्वल ही होती है। इसीलिए अगर यहाँ पर इतना डिस्टेंस रूट टू है तो कंपस की हेल्प से जब हम आर्क लगाएंगे यहाँ पर नंबर लाइन तक टच करते हुए, तो ये डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, दैट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू रूट टू। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, रूट टू, और हमने रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया।
अभी आपने सीखा रूट टू को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रूट फोर जो कि हमें रिप्रेजेंट ही नहीं करना होता क्योंकि वो अपने आप में दो का परफेक्ट स्क्वेयर है, दो को हम डायरेक्ट लोकेट कर सकते हैं, उसके बाद रूट फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको करवाऊंगी। देखिए Now we want to represent root 3 on the number line. अब एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रही हूँ जो आपके आगे के नंबर को लोकेट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मान लो root 3 है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उससे पहले वाली वैल्यू, दैट इज़ अगर root n हमारे पास है, हम उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उससे पहले वाली वैल्यू का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एन माइनस वन। एन हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर जो कि रूट के अंदर दिया हुआ है जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एन हमारे पास क्या है, थ्री, तो ये हो गया हमारे पास रूट थ्री, और अगर इसमें से माइनस वन करेंगे, एन माइनस वन करेंगे, दैट इज़ रूट थ्री माइनस वन, वो हमारे पास क्या होगा, रूट टू। इफ़ वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन देन वी मस्ट नो हाउ टू लोकेट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। रूट टू मैंने आपको अभी बताया है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नंबर लाइन थी हमारे पास ये मिड पॉइंट ज़ीरो, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, वन यूनिट डिस्टेंस और ये टू यूनिट डिस्टेंस। यहाँ पर हमारी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने रूट टू को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर रूट टू लिख लेती हूँ कि ये जो पॉइंट है किसको लोकेट करा हमारा, रूट टू को। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। एच की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अंडर द रूट पी स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारा बेस मानकर चलते हैं हम। फिर इस पॉइंट के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए कैसे, बेस हमने क्या माना, रूट टू, ये हमारा बेस था उसको रूट टू लिया हमने और उसका स्केयर किया, और परपेंडिकुलर हमने कितना माना, वन यूनिट डिस्टेंस, कितना माना, वन यूनिट डिस्टेंस। जब हमने इसका स्केयर किया, इस स्केयर को ओपन करने के बाद वी विल गेट वन प्लस टू दैट इज इक्वल टू रूट थ्री, और यही तो हमें लोकेट करना था। अब रूट टू को हम ऑलरेडी लोकेट कर चुके हैं, इस पॉइंट पर हमने वन यूनिट का डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, और इस पॉइंट को नाम दिया हमने ओ और इस पॉइंट को नाम दिया हमने ए। अब हम ओ और ए पॉइंट को मिलाएंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली हम कंपस लेंगे ओ ए, इतने यूनिट डिस्टेंस हमने ओपन किया, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, वो क्या है, रूट थ्री। वो कहाँ से आया, वो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया है। कंपस की हेल्प से हमने एक आर्क लगाई इतना खोलते हुए, सेम ही लॉजिक है सर्कल का और रेडियस वाला। अगर ये हम रेडियस मान कर चलें और जब हम आर्क लगाएंगे जहाँ पर हमें नंबर लाइन पर रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर इस जब ये आर जब कंपस इस पॉइंट पर टच करेगा तो ये हमारे पास क्या वैल्यू देगा, रूट थ्री, और यही तो हमें रिप्रेजेंट करना था एक नंबर लाइन के ऊपर। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन लोकेट रूट थ्री ऑन ए नंबर लाइन। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट रूट फाइव। रूट फाइव को लोकेट कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी रूट फाइव हमें नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करना है। सेम ही फॉर्मूला है, अगर हमें एन की वैल्यू फाइव गिवन है तो हमें उससे पहले वाले नंबर की वैल्यू का पता होना चाहिए, दैट इज एन माइनस वन, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हमारे पास नंबर लाइन, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट फाइव। रूट फाइव के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, मान लो ये हमारा रूट एन है, अगर हमें रूट एन फाइंड आउट करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ एन माइनस वन। एन माइनस वन क्या होगा, एन की वैल्यू को हम क्या पुट करेंगे, फाइव, फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर, ठीक है। अब फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, एच इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। परपेंडिकुलर हम हमेशा वन कंसिडर करके चलेंगे, तो वन का स्केयर, बेस वन टू
फोर, ये हम यहाँ से अपना बेस बना के चलते हैं, बेस कंसिडर करते हैं। बेस ये फोर हमारे पास कब होगा, जब हम ज़ीरो से लेकर टू तक की वैल्यू को यहाँ पर बेस को टू मानकर चले, जब उसका स्केयर करें तो हमारे पास फोर भी आ जाएगा और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर रूट फाइव भी आ जाएगी। वन का स्केयर वन, टू का स्केयर फोर, ये हमारे पास क्या आ गया, रूट फाइव। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए, बेस टू यूनिट, यहाँ से हम परपेंडिकुलर जो कि हमने वन यूनिट डिस्टेंस लिया है, इस पॉइंट को हमने माना ओ, इस पॉइंट को हमने माना ए, ये हमने यहाँ पर सीधा सीधा ओ और ए पॉइंट को मैच किया। ये हमारे एक तरह से क्या हो गया, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस मस्ट बी एच, दैट इज हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट फाइव, जो कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। ये हमारे पास रूट फाइव हो गया, जैसे कि पहले किया सेम वही हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ओ से लेकर ए तक कंपस ओपन करके एक आर्क लगानी है, कहाँ तक, नंबर लाइन तक, और ये जो वैल्यू होगी हमारी ये किसको लोकेट करेगी, रूट फाइव को। ये मैंने आपको सिखाया रूट फाइव को कैसे लोकेट करना है। सिमिलरली हम और क्वेश्चन भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि रूट सिक्स, रूट सेवन, रूट एट, इन सब को बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, बस उसे प्रीवियस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला के थ्रू आपको समझाई है। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स। मैंने आपको पहले ही बताया था रियल नंबर हमारे क्या क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे इंक्लूड करते हैं रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, दोनों टाइप के नंबर्स को हमारे रियल नंबर इंक्लूड करते हैं। और वो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, क्योंकि देखिए रियल नंबर में हमारे पास इरेशनल नंबर अवेलेबल है, तो हमारे पास जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा ट्रू। सेकेंड पार्ट है इसका, ही सेज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम, हमारा हर एक पॉइंट किस पर, नंबर लाइन पर, किसकी फॉर्म में होगा, रूट एम की फॉर्म में। कैसा पॉसिबल है, देखिए नंबर लाइन है मिड पॉइंट 0, 1, 2, 3, 4, 5, और एम को उसने कैसे डिफाइन किया, ही सेज वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमारे पास क्या थे, नंबर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू सो ऑन, 1, 2, 3 और द काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। रूट एम को उसने बोला नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमारे पास है 1, 2 एंड 3। अब रूट वन, वन है, ठीक है, नंबर लाइन पर है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। रूट टू, रूट टू को भी हम कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर ही देंगे, वो भी हो गया। लेकिन वट अबाउट नेगेटिव नंबर्स, अगर नेगेटिव नंबर आ जाए, किसी भी नेगेटिव नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना तो माइनस रूट, माइनस वन के रूट को, ना ही माइनस टू के रूट को, इसलिए ये स्टेटमेंट कम्प्लीटली फॉल्स है कि हम नेचुरल नंबर को रूट एम की फॉर्म में नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये ट्रू होगा, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अभी डिफाइन किया था रियल नंबर क्या होंगे हमारे पास, रैशनल और इरेशनल नंबर के कम्बिनेशन, लेकिन वो कह रहा है कि हर एक रियल नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी, ये हमारे पास फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, आर द स्क्वेयर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल,
वो कह रहा है हमारे पास जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे क्या वो इरेशनल होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? 1, 2, 3, 4, 5। अब हम उसका स्क्वायर रूट लें, दैट इज़ √1, √2, √3, √4। वो सब हमारे पास इरेशनल होंगे? नहीं होंगे। रूट वन की वैल्यू होती है हमारे पास 1, ठीक है। रूट टू ये इरेशनल नंबर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। रूट थ्री ये भी हमारा इरेशनल नंबर के अंदर कंसिडर किया जाएगा। रूट फोर उसकी वैल्यू होती है 2, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये हमारा रेशनल नंबर के कैटेगरी के अंदर आएगा, इरेशनल नंबर के कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। तो हम सारे स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम इरेशनल नहीं कह सकते क्योंकि उनमें कुछ रेशनल नंबर भी हैं। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, उसने बोला अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल अभी मैंने आपके आगे एक्सप्लेन कर ही दिया है, रूट फोर दैट इज़ 2। आगे भी ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जैसे √9, √25 जो कि हमारे इरेशनल नंबर के कैटेगरीज के अंदर नहीं आते, इसलिए ये हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट फाइव को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ये क्वेश्चन मैंने जब आपको इसका कंसेप्ट करवाया था तभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया था, फिर भी मैं आपको फिर से बता देती हूँ रूट फाइव को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। किसको रिप्रेजेंट करना है हमें नंबर लाइन पर? रूट फाइव को। सपोज अगर ये रूट एन है तो रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उससे पहले वाली वैल्यू का पता होना चाहिए, दैट इज़ √(n-1), 5-1 विच इज़ 4। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है h = p² + b². हम क्या वैल्यू कंसिडर करें कि हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है? रूट फाइव आ जाए। परपेंडिकुलर हम हमेशा 1 कंसिडर करके चलते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। बी की वैल्यू अगर हम 2 कंसिडर करें तो 2 का स्केयर, इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 5। अब नंबर लाइन पर बेस को हमने क्या कंसिडर किया था? 2। ये हमारे पास 0 से लेकर 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया, इसको नाम दे लिया हमने O। और परपेंडिकुलर हमने कितने यूनिट डिस्टेंस लिया था? 1। इस पॉइंट को हमने नाम दिया A। ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई √5। कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा √5 अभी नंबर लाइन पर नहीं है, ये इसकी वैल्यू कहीं ऊपर ही लोकेट अभी, बट वी वांट टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। व्हाट वी विल डू, टेक ए कंपास और OA इतने यूनिट डिस्टेंस तक इसको ओपन कीजिए और एक आर्क लगाइए। ये हमारी √5 की वैल्यू होगी। कैसे? वही सिंपल सा लॉजिक लगना है, सर्कल जो हमारा डिफाइन होता है वो इसका सेंटर होता है और सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई भी यूनिट कितने भी यूनिट का डिस्टेंस ले ले वो उसकी रेडियस कहलाती है, वो हमेशा ही इक्वल होता है। इसीलिए अगर ये हमारे पास रेडियस है तो ये भी हमारे पास रेडियस ही होगी, ये √5 है तो ये भी हमारे पास √5 ही होगी और ये हमने √5 को यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.2। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।